कबाबों के लिए हमेशा जो चिकन ब्रेड क्रम हमें चाहिए होते हैं उनको हम किस तरह ब्रेड क्रम जो है ब्रेड का क्रम बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी एक तरफ मेरी फ़िश जो केक बनने हैं उसकी चीज़ें बन रही हैं, उसका फ़िश बॉयल हो रही है और तब तक हम दूसरी चीज़ों को तैयार कर लें। मैंने ये 6 स्लाइस लेने हैं टोटल। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ड्राइड कोरिएंडर वो हम लेंगे। थोड़ा सा तेल हर्ब लेंगे क्योंकि हमने ये फिश में यूज करने या हम आलू के कबाब में लेना है तो इट्स ओके चलता है। काम करते हुए चीजें गिरें तो समझे कि आपके कजिन जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी कुकिंग को या बेकिंग को, तो आपका जो है चीज़ें गिर रही हैं, बिखर रही हैं, उड़ रही हैं। तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूंगी क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम डालते हैं तो या ऊपर लगाते हैं तो अक्सर नमक में छलकी हो जाती है, तो इसमें हम ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून लेंगे। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो है रेडी हैं। जब कबाब में बनाने लगे आप इस तरह इसको बनाकर थोड़ा सा किसी भी डिश में, खुली डिश में आप रख देंगे। इसको थोड़ी सी हवा भी लगेगी जब ये थोड़े ड्राई भी हो जाएंगे क्योंकि फ्रेश ब्रेड है तो जितना यूज होगा ठीक है, बाकी हम इसको ड्राई कर लेंगे या ओवन में रोस्ट कर लेंगे ताकि ये फंगस ना आए इस पर, क्योंकि फ्रेश ब्रेड को उसी दिन ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको या तो रोस्ट कर लें, बेक कर लें उसमें 10-12 मिनट के लिए ओवन में, अगर बचेगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, और या फिर आप इसको अच्छे से 2-3 दिन इस तरह खुला रहने दें, कवर कर दें किसी कपड़े के साथ जिससे हवा क्रॉस होती जाए, और बस फिर उसके बाद आपने हर रोज़ ये 2-3 घंटे बाद चम्मच चलाना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लेके आना है ताकि हवा प्रॉपर लगे और ये ड्राई हो जाए। तो ये अब आप देख रहे हैं तो